यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस में, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्रा पर। तो आगे पढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ जाएं आज के सेशन की तरफ। करंट अफेयर्स का आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर द वेरियस न्यूज पब्लिश इन वेरियस न्यूज पेपर्स अक्रॉस द कंट्री। तो बिफोर प्रोसीडिंग आइट लेट मी नो स्टूडेंट्स The चैट बॉक्स। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट टू एंड हाफ ईयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है। आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज फॉर 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel IAS Toppers Mantra पर आकर उठा ले जाइए इस session का free PDF. तो चलिए students, बिना delay किए हुए देखते हैं आज के news को। और मैं बता दूं, IAS Toppers Mantra headquartered in Pune has launched various offline cum online courses for UPSC CSE preparations for 2023. उसमें आप देख सकते हैं संकल्प टेस्ट सीरीज है, 8,500 रुपये के 17 टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे अपॉन आवर वेब पेज प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन। और साथ में स्टूडेंट्स सक्षम मेंटरशिप कोर्स है, सक्षम मेंटरशिप कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर 6 months का ये पैकेज सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए, इसके अंदर फ्री संकल्प टेस्ट सीरीज 8,500 का मिलेगा और साथ में क्लासेस 3 दिन वीकेंड्स पर आपको दी जाएंगी, देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो ये सब प्रारंभ डॉट लाइव एप्लीकेशन पर आकर आपको एनरोल करना है इसके लिए। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इन मोबाइल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8328379470388 एंड 7276637094। आइए स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट ऑफ टुडे सेशन। तो आगे बढ़ने से पहले निकाल लीजिए एटलस स्टूडेंट्स, एटलस की जरूरत पड़ेगी आज भी। यस, हर रोज पड़ती है और आज भी पड़ेगी जरूरत। टेक आउट एटलस, टेक आउट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेन सिलेबस, टेक आउट न्यूज नोटबुक, टेक आउट 3, 4 कलर्ड पेन्स एंड लेट्स बिगिन द सेशन स्टूडेंट्स। सबसे पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड से इंडिया सेंड्स एड टू टर्की, व्हाट रोल इंडिया हैज प्लेड टू हेल्प नेचुरल डिजास्टर हिट कंट्रीज इन द पास्ट। In the last 15 years, India has carried out several disaster relief operations and emerged as a leading actor during such emergencies, especially in its neighborhood. India and its neighborhood. Is this a topic of GS Paper 2 International Relations? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि हम लोग आगे देख लें क्यों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यस आई एम फिट एंड फाइन अंकित। तो ये देखिए, दिस अगर मैं रहूँगा एग्जामिनर तो मैं मेंस में एक सवाल भी पूछ दूंगा यहाँ पर इंडिया ये रिलेशंस को लेकर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर, दैट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम वन ऑफ द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कमेंट, यस, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन को, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम वन ऑफ द की एरियाज, ये देखिए, ऑफ कोऑपरेशन, ये देखिए, of cooperation between India and neighboring countries. Comment. तो क्या ये कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 10 marks 150 words। इंस्टेंसेस देने जब इंडिया ने हेल्प किया नेबरिंग कंट्रीज को नेचुरल डिजास्टर हिट, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हिट कंट्रीज में। ये देखिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स पर्सनल, मेडिकल सप्लाइज, आर्मी मेडिकल टीम। ये देखिए, वेस्ट एशियन नेशन जब स्ट्रक हुआ तो फरवरी 6 को 5,000 लोग मारे गए हैं। और इसके दिस अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी, द मोबिलाइजेशन ऑफ द फील्ड यूनिट टुक प्लेस जस्ट आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स टू तुर्की। ये देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से मोबिलाइजेशन कर दिया गया है, मेडिकल टीम भेज दी गई है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम्स, ऑर्थोपेडिक सर्जिकल टीम, सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम, मेडिकल स्पेशलिस्ट टीम्स अपार्ट फ्रॉम अदर मेडिकल टीम्स। ये देखिए, एंड 15 साल में इंडिया ने बहुत सारे डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस किए,
यूएसए को, ये देखिए यूएसए को इसने इंडिया ने भेजा था, ठीक है, हेल्प एन इंडियन एयरफोर्स IL-76 एयरक्राफ्ट, यस एल्यूशन एयरक्राफ्ट डिलीवर 25 टन्स ऑफ रिलीफ सप्लाइज फॉर हरिकेन कैटरीना विक्टिम्स ऑफ लिटिल रॉक एयरफोर्स बेस आर्कनसास। देखिए यानी इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज को भी हेल्प करता है, यस नेबरहुड के बाहर कंट्रीज को, यस मालदीव्स, ये देखिए 2004 के सुनामी के बाद इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपोजिट पैकेज वर्थ 5 करोड़ रुपीज अंडर ऑपरेशन कैस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 सॉर्टीज वर अंडरटेकन एंड 4 एयरक्राफ्ट एंड 2 नेवल शिप्स वर इंगेज इन रिलीफ ऑपरेशन। श्रीलंका ऑपरेशन रेनबो, ये देखिए क्या बात है, ऑपरेशन कैस्टर, ऑपरेशन रेनबो December 26, 2004, क्या यही था वो सुनामी जिसके बाद इंडिया ने NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट म्यांमार, साइक्लोन नरगिस हिट म्यांमार इन 2008, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू सेंड देम एड, रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन, क्लोथिंग, यूटेंसिल्स, वाटर टैंक्स, टेंट्स, टरपोलिन, ये देखिए टरपोलिन भेजा गया। जापान 2011 सुनामी, जापान एंड इंडिया सेंट डॉक्टर, 3 officers, 6 inspectors, 2 paramedic एंड कॉन्स्टेबल्स एंड कैरिड 9,000 kg ऑफ इक्विपमेंट एंड फूड। ये देखिए जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री को भी हेल्प करता हुआ इंडिया। नेपाल, ये देखिए 2015 में अर्थक्वेक, तो 700 रेस्क्यूअर्स इन द कंट्री, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये तो नेचुरल डिजास्टर हिट कंट्रीज हैं, क्या कोविड के समय भी इंडिया ने हेल्प किया है नेबरहुड में, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। आइलैंड्स के लिए कुछ लॉन्च किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कुछ सुना है आपने इसके बारे में, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या बात है। यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सवाल तो बन गया, उसका उत्तर भी आपने लिख दिया, देखते देखते देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बिकम वन ऑफ द की एरियाज ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, कमेंट 10 marks 150 words, ये देखिए। यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बस इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक सफल कोशिश होनी चाहिए, असफल नहीं। आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स। शालीग्राम स्टोन, 140 million year old स्टोन्स टू बी यूज फॉर द आइडॉल ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या, ये देखिए। तो रिवर बेड्स या बैंक्स ऑफ काली गंडकी, या ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडकी रिवर इन नेपाल, ये शालीग्राम स्टोन पाया जाता है, न्यूज में चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोन लॉर्ड विष्णु का दिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी क्या छपा है इंडियन एक्सप्रेस में शालीग्राम स्टोन के बारे में, और क्या है ये, लेट्स सी स्टूडेंट्स। सो ऑन थर्सडे 2 sacred शालीग्राम स्टोन्स वेइंग 31 टन्स एंड 15 टन्स अराइव्ड इन अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। द स्टोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम एंड जानकी एट राम टेम्पल। द स्टोन्स वर ब्रॉट टू द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कलेश्वर धाम इन जनकपुर, 100 kilometers फ्रॉम पोखरा इन नेपाल बाई अ डेलीगेशन ऑफ 150 people। ये प्लेसेस के नेम्स लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आ सकता है पेयर्स में। यस, प्लीज राइट द नेम ऑफ द प्लेसेज आउट हेयर। नेक्स्ट, वट इज अ शालीग्राम स्टोन, देखिए इन हर बुक शालीग्राम पिलग्रिमेज इन नेपाल हिमालयस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हॉरी वॉल्टर्स सेड दैट शालीग्राम स्टोन्स आर फॉसिल्स ऑफ अमोनाइट विच इज अ टाइप ऑफ मोलस्क दैट लिव्ड बिटवीन 400 मिलियन ईयर्स एंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। Referring to the Geological Survey of India publication from 1904, Walters wrote that Shaligram stones date specifically from the early Oxfordian to the late Tetonian age near the end of Jurassic period. ये देखिए, ये है Jurassic period, इसी समय का Shaligram stone है, some 165 to 140 million years ago. बहुत important हो चला इस बार students ये topic. क्या ये topic के बारे में जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, नहीं जानते हैं तब तो मैं समझ लूँगा कि आपको नहीं पता है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यस। सो अमोनाइट, ये देखिए एक मोलस्क था, मोस्टली फाउंड इन रिवर बेड्स और बैंक्स ऑफ काली गंडकी, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंडकी रिवर इन नेपाल, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड दिस स्टोन इज रेवर्ड बाई हिंदूज हु बिलीव इट टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। और ये देखिए, द स्टोन इज कंसिडर्ड टू हैव डिवाइन पावर्स एंड इज सीन एज अ सिंबल ऑफ गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी।
Lord Ram is believed to be the reincarnation of Lord Vishnu, and the use of Shaligram stone symbolizes the connection between the two gods. So, यहाँ पर mollusk and ammonite ये word याद कर लीजिएगा, बहुत ही important. Yes, yes, namaskar, good morning, students. तो देखिए यहाँ पर गंडक रिवर के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है, और देखिए गंडक रिवर के बारे में मैंने यहाँ पुटअप कर दिया स्टूडेंट्स, ये देखिए. तो गंडक रिवर ओरिजिनेट्स नियर तिब्बत नेपाल बॉर्डर एट अ हाइट ऑफ 7620 मीटर. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द काली गंडक, देख सकते हैं आप, क्या ये नाम अभी आया है, मयनगढ़ी एंड बरी एंड त्रिशूली. इट डिबाउचेज इनटू द प्लेन्स एट त्रिवेणी, इट फ्लोज इनटू गंगा एट हाजीपुर इन बिहार. ये देखिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज इट द गंडकी रिवर या गंडक रिवर, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी काली गंडक. तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट्स, नहीं मुझे बताइए एग्री कर रहे हैं. और देखिए यहीं पर देखिए बूढ़ी गंडक रिवर भी, देखिए यहां पर ये गंडक रिवर, ये बूढ़ी गंडक रिवर, ये देखिए बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुमेसर हिल्स नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर, इट जॉइंस गंगा नियर मुंगेर टाउन. ये देखिए ये मुंगेर टाउन के पास में, ये हाजीपुर के पास में आप देख सकते हैं. तो इस गंडक रिवर में तीन माउंटेन्स है इसके रिवर बेसिन में, धौलागिरी, मनसालू एंड अन्नपूर्णा. सुना है आपने स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट पॉइंट है ये धौलागिरी इस रिवर बेसिन का, धौलागिरी लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसी रिवर बेसिन में आता है नेपाल में, वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द गंडक रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, और गंडक की ट्रिब्यूटरी रिवर काली गंडक, जहां से मोलस्का अमोनाइट के शेल्स निकाले जा रहे हैं, शालीग्राम स्टोन उसी को कहते हैं. देखिए तो यू कैन मार्क इट अप ऑन द मैप, क्या ये क्लियर हुआ. गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम राम गंगा, गोमती, दिस शारदा रिवर सिस्टम्स, घाघरा, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब अरेंजमेंट करके आपको देखना है स्टूडेंट्स. तो ये न्यूज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. शालीग्राम शिला, ये देखिए, पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ स्टोन कलेक्टेड फ्रॉम रिवर बेड और बैंक्स ऑफ काली गंडक की ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडकी रिवर इन नेपाल, यूज्ड एज नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विष्णु बाय हिंदूज, फॉसिल्स ऑफ अमोनाइट शेल्स फ्रॉम डेवोनियन क्रिटेशियस पीरियड. मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. तो अमोनाइट शेल्स कहाँ से आए हैं, देखिए एक्सटिंक्ट मराइन मोलस्क एनिमल्स हैं, खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं रहते हैं, इसे याद कर लीजिए स्टूडेंट्स. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए इंडिया नेपाल रिलेशंस, यस एंड लिंक दिस न्यूज. चलिए आगे बढ़ा चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स. देखिए शालीग्राम शिला, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीडेड, मोलस्क एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीडेड, एंड रिवर गंडक स्पेसिफिकली धौलागिरी माउंटेन रेंज के आसपास से नदी फ्लो करती हुई, इट्स इंफॉर्मेशन इज नीडेड. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंट की बात चल रही है लेकिन आईआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहां भी देखना पड़ेगा हमें. ब्राजील प्लान्स टू सिंक अ टॉक्सिक एयरक्राफ्ट करियर, रीजंस कंसर्न्स एक्सप्लेन्ड. 60-year ओल्ड एयरक्राफ्ट करियर साओ पाउलो इज सेट टू बी स्कटल्ड इन इंटरनेशनल वाटर्स डिस्पाइट मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स. ये देखिए, तो मुझे बताइए एयरक्राफ्ट करियर या शिप्स या जो भी शिप्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्या कंसर्न होता है स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए. तो ब्राजीलियन न्यूज आउटलेट फोल्हा डी साओ पाउलो रिपोर्टेड ऑन January 28 दैट ब्राजील्स नेवी प्लान टू स्कटल द हल ऑफ द नाउ डी कमीशन एयरक्राफ्ट करियर साओ पाउलो डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम ब्राजील्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. The major concern about the aged ship sinking is the presence of at least 9 tons of asbestos in the hull, along with smaller quantities of other undesirable substances such as oil and chemical coatings. Hull क्या होता है मैं बता दूँ students, ship का जो container जो base होता है उसे hull कहते हैं, very very important. So the sinking of the ship would deposit these toxic substances in the ocean, leading to the major environmental catastrophe. ये देखिए चिंता की बात है, ये ship अभी ब्राज़ील के आसपास घूम रहा है, शुक्र है ब्राज़ील अपने ही पानी के आसपास इसको डुबोएगा, अमेरिका रहता तो दूसरे के पानी में जाकर डुबोता नहीं, मुझे बताइए. तो साओ पॉलो वाज़ अ क्लेमेंसियू क्लास एयरक्राफ्ट करियर इन सर्विस,
क्लेमेंसियो, जॉर्ज क्लेमेंसियो कौन थे मुझे बताइए स्टूडेंट्स, विद द ब्राजीलियन नेवी, फर्स्ट कमीशन 1963 बाई फ्रेंच नेवी एज कोच, इट रिमेंड इन सर्विस विद फ्रांस टिल 2000 व्हेन इट वाज ट्रांसफर टू ब्राजील बिकमिंग इट्स फ्लैगशिप. ये देखिए, द शिप यूज द कैटोबार सिस्टम ऑल्सो यूज बाई यू एस निमिट्स क्लास करियर्स एंड हैड 870 लॉन्ग फ्लाइट डेक विद द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 22 जेट्स एंड 27 हेलीकॉप्टर्स. यू कैन सी इट हियर. इसमें सबसे बड़ा डेंजरस क्या स्टूडेंट्स, एस्बेस्टस. इंडिया में क्या इसी को, इसी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है क्या मुझे बताइए इंडिया में? यस. तो ये देखिए कहां पर है, अलांग. ये देखिए अलांग क्या, गल्फ ऑफ खंबात पर लोकेटेड, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक इंपॉर्टेंट सिटी, जहां पर इंडिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड वर्ल्ड का, देखिए द अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड. देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, देखिए इंडिया में कहां ये काम होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसमेंटलिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिटायर्ड फ्रेट एंड कार्गो शिप सैल्वेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ खंबात बाय द टाउन ऑफ अलांग इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भावनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया. और यही भावनगर अलांग रीजन अभी न्यूज में आया था स्टूडेंट्स. मीठी वर्दी या विरडी is a proposed site consisting of 6 nuclear reactors with a total capacity of 6600 megawatts. ye yahi par banaya ja raha hai 2 mile north of ship breaking beach. ye dekhiye yani ek se bach gaye dusre se bachna mushkil nahi mujhe bataiye. asbestos se bach gaye to nuclear energy se bachna mushkil. aaiye dekhte hain students kya hai is industry mein. asbestos, asbestos ke bare mein chhapa hua hai is ship ko lekar. asbestos has been used on ships as both a fire retardant and an insulator to protect sailors from constant and jarring vibrations of ship engines. लिख लीजिएगा, fire retardant है और insulator है. According to NGO ship breaking platform, despite being banned from ships since 2002, recent estimates indicate that asbestos is still found in over 65% of vessels, including 50% of all new builds. ये देखिए banned है students, ये asbestos fire retardant के रूप में use होता है and insulator के रूप में. yes yes, जॉर्ज क्लेमेंसियू फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जब जर्मनी ने अटैक किया था, तब इन्हीं के शब्द थे स्टूडेंट्स, दैट जर्मनी ने ले लिया था पेरिस, सीन रिवर के ऊपर पेरिस है, क्या पता है आप लोगों को, कैप्चर कर लिया था. तो इन्होंने कहा था, वी माइट हैव लॉस्ट द पेरिस, वी माइट हैव लॉस्ट द सीन, बट विल फाइट द लॉयर, विल फाइट द गैरॉन. ये देखिए ये रिवर्स के नेम्स हैं फ्रांस में. लॉयर का मतलब ये होता है, वो लॉयर वकील नहीं, ठीक है. ये देखिए गैरॉन, एंड इफ वी आर आउस्टेड विल फाइट ऑन द पायरेनीज, एंड अगर हमें वहां से भी निकाल बाहर किया गया तो हम ओशन से फाइट करेंगे, लेकिन फाइट जरूर करेंगे. यही कहा था उन्होंने, जॉर्ज क्लेमेंसियू ने. ये वही बात हो गई कि जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो जब एग्जाम में पेपर गड़बड़ आ जाए 2022 के प्रीलिम्स की तरह, उसके बाद इंसान कहता है वी माइट हैव लॉस्ट द 2022 प्रीलिम्स बट विल फाइट टिल द कोर, ठीक है फाइट करेंगे. देखिए ये हारा हुआ खिलाड़ी देखिए ऐसी बात करता है. देखिए लॉयर के ऊपर फाइट करेंगे, गैरन के ऊपर फाइट करेंगे, पायरेनीज के ऊपर फाइट करेंगे, पृथ्वी से निकाल दिए जाएंगे तो मार्स से फाइट करेंगे, जुपिटर से फाइट करेंगे, ठीक है जहां से फाइट करेंगे फाइट करेंगे. तो दिस उन्हीं के नाम पर ये पढ़ा है, उनका नाम किताब के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में बहुत फेमस पर्सनैलिटी के रूप में दर्ज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय. ये देखिए तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एस्बेस्टस. यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स. Asbestos is highly toxic and a carcinogen. Inhaled or swallowed asbestos fibers can become trapped in the respiratory or digestive systems of the body, accumulating over time. देखिए तो lung cancer, COPD, mesothelioma, asbestosis, ये skin और lungs का disease ये cause करता है, इसे याद कर लीजिएगा. Carcinogen है ये भी याद कर लीजिएगा. और इंडिया में ship breaking industry कहाँ पर है ये भी याद कर लीजिएगा students. और देखिए एस्बेस्टोसिस इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज कॉज बाय इनहेलिंग एस्बेस्टस फाइबर. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ टू दिस फाइबर्स कैन कॉज लंग टिश्यू स्कैरिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एसपीएम, सुना है आपने मुझे बताइए. ये देखिए
Asbestosis symptoms can range from mild to severe and usually don't appear until many years after initial exposure. Asbestos is a natural mineral product. ये देखिए very very important statement. Resistant to heat and corrosion, very very important. It was used extensively in the past in products such as insulation, cement and some floor tiles. लिख लीजिएगा इसे. और ship में तो use होता ही होता है. तो ये देखिए news students ecology environment का asbestos को लेकर अलांग को लेकर क्या याद रहेगा मुझे बता दीजिए students. अभी तक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पता है कहाँ पर? ग्लोबल साउथ में ही. देखिए आपने कहा सर कितनी अच्छी बात है. अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट्स. जहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है हेल्थ को, वो यूएस कहता है तुम ले जाओ. ये देखिए गेटिंग द पॉइंट. यस यस, नॉन स्टिक वाला भी आया था न्यूज इसमें. यस यस तरुण, करेक्ट. तो आइए आगे बढ़ चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ स्टूडेंट्स. अगला न्यूज़ क्या ये देखा जाए और क्या बता रहा है अगला न्यूज़. ठीक है, अभी तक आपने दिस शालीग्राम स्टोन दिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. आइए आगे देखते हैं. नासा इसरो पार्टनरशिप सेटेलाइट ऑल सेट टू अराइव इन द कंट्री. व्हाट इज निसार एंड व्हाट इज इट्स मिशन. ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दिस मिशन. ठीक है, जॉइंटली डेवलप्ड बाई नासा इंडो यूएस रिलेशंस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन an earth observation satellite called NISAR, NASA ISRO synthetic aperture radar. क्या बात है, एक्रोनिम में दोनों देशों से आगे. नहीं मुझे बताइए. तो it got a send off ceremony at the American Space Agency's Jet Propulsion Laboratory in Southern California on Friday. देखिए this सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से 2024 में लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से स्पेस के लिए. निस्सार का फुल फॉर्म क्या देख लीजिए स्टूडेंट्स. निस्सार हैज बीन बिल्ट बाय स्पेस एजेंसीज ऑफ द यूएस एंड इंडिया अंडर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन इन 2014. द 2800 किलोग्राम सैटेलाइट कंसिस्ट ऑफ बोथ एल बैंड एंड एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच मेक्स इट अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सैटेलाइट इज इट्स लार्ज 39-foot स्टेशनरी एंटीना रिफ्लेक्टर मेड अप ऑफ अ गोल्ड प्लेटेड वायर मेश. The reflector will be used to focus radar signals emitted and received by the upward facing feet of the instrument structure according to NASA. देखिए students, तो NASA और ISRO का launch synthetic aperture radar ये देखिए. तो लिखा हुआ students, once launched into the space इसका फायदा क्या है? NISAR will observe subtle changes in earth surface helping researchers better understand the causes and consequences of such phenomenon. It will spot warning signs of natural disasters such as volcanic eruptions, earthquakes and landslides. क्या बात है, तुर्की कह रहा है that पहले लॉन्च करना चाहिए था, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं मुझे बताइए. And the satellite will also measure groundwater levels, track flow rates of glaciers and ice sheets, monitor the planet's forest and agriculture regions which can improve our understanding of carbon exchange. क्या सारा काम करेगा क्या? तो यूपीएससी का सिलेबस हो गया. देखिए यहाँ पर सब कुछ कर रहा है. अर्थक्वेक डिटेक्शन कर रहा है, क्या बात है. वोल्केनिक एरप्शन डिटेक्शन कर रहा है, ये देखिए क्या बात है. लैंडस्लाइड्स डिटेक्शन कर रहा है, क्या बात है. ग्राउंड वाटर लेवल्स डिटेक्शन कर रहा है, ये देखिए. उसके बाद ग्लेशियर फ्लोरेट डिटेक्शन कर रहा है, ये देखिए. उसके बाद फॉरेस्ट डिटेक्शन कर रहा है, ये देखिए. उसके बाद एग्रीकल्चर रीजन डिटेक्शन कर रहा है, ये देखिए. मीन्स किसी भी टॉपिक में लिंक हो जाएगा. देखिए नहीं, ये तो एकदम रेलेवेंट हो गया, एवर रेलेवेंट न्यूज. कार्बन फुटप्रिंट में देखिए कार्बन एक्सचेंज मॉनिटर करेगा, ये देखिए स्टूडेंट्स. एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक इन वेरियस फील्ड्स. इसरो विल यूज निसार फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मैपिंग मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द हिमालय. देखिए ये जरूरी है स्टूडेंट्स. लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज एंड चेंजेस इन द कोस्ट लाइन. क्या ये दोनों सबसे जरूरी प्रॉब्लम्स देखिए इंडिया फेस कर रहा है? लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियर मॉनिटरिंग. लैंडस्लाइड्स इंक्लूडिंग लैंड सब्सिडेंस. यस ठीक है. तो जनवरी 2024 में एक साल है अभी लॉन्च करने के लिए. नहीं मुझे बताइए स्टूडेंट्स. नासा इसरो पार्टनरशिप अगर आप मुझसे पूछिएगा इंडिया यूएस रिलेशंस, ये देखिए. एंड सेकेंड स्पेस टेक के एप्लीकेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट की. यस, इन दोनों जगह पर मैं इसका नाम लूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा और रैंक वन आ जाएगा यूपीएससी में, ये देखिए. चलिए बढ़ चला जाए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ.
नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं हम लोग, क्वालिटी एंड गवर्नेंस से की फील्ड से। सुप्रीम कोर्ट सेलिब्रेट्स 73rd एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, अ ब्रीफ ओवरव्यू। आइए देखते हैं। यस यस, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर सेलिब्रेशन ऑफ द 73rd एनिवर्सरी ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट टुडे। The year's event is being aired on social media platforms and will witness Singapore's Chief Justice Sundaresh Menon, who is of Indian origin, as the chief guest. क्या बात है ये देखिए, India-Singapore relations, Indian diaspora, देखिए example, देखिए quote कर लीजिए students. The Singapore's Chief Justice will deliver a lecture on the role of judiciary in the changing world. At the event will feature a welcome address by Justice S.K. Kaul and an address by the Chief Justice of India as well. ये देखिए. When was the Supreme Court founded? On January 28, 1950, 2 days after India became a sovereign democratic republic, the Supreme Court of India came into being. The inauguration took place in the Chamber of Princes in the Parliament building, which was home to the Federal Court of India for 12 years preceding Supreme Court's establishment. देखिए, Federal Court इसके पहले exist करता था और Supreme Court का existence independence के बाद आया। देखिए यहाँ पर students. The Parliament House was to be home of the Supreme Court for years that were to follow until the court acquired its own present building with lofty domes and its signature spacious verandas in 1958. The inaugural proceedings on the 28th began at 9:45 a.m. with the judges of Federal Court, Chief Justice Harilal Kania, Justice Sayyed Fazl Ali, M. Patanjali Shastri and Mehar Chand Mahajan, and Bijan Kumar Mukherjee and S.R. Das took their seats. Ye dekhiye. तो स्टूडेंट्स 58 में इसको अपनी जगह मिली है, ये काम किया पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से 58 तक। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इनॉग्रल प्रोसीडिंग्स इंश्योर दैट द रूल्स ऑफ द कोर्ट वर पब्लिश्ड एंड द नेम्स ऑफ ऑल एडवोकेट्स एंड एजेंट्स ऑफ फेडरल कोर्ट वर ब्रॉट ऑन द रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन 1958 व्हेन द कोर्ट शिफ्टेड इट्स प्रीमाइसेस द बिल्डिंग वाज शिफ्ट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ स्केल्स ऑफ जस्टिस। ये देखिए बिल्डिंग Project image scales of justice in the central wing. In 1979, 2 new wings, the east wing and the west wing, were added to the complex. In all, there are 19 courtrooms in the various wings of the building. The Chief Justice Court is the largest of all courts, located at the center of the central wing. Ye dekhi. Wings of justice becomes very, sorry, scales of justice become very, very important. Ye dekhi. Clear hai students, mujhe bata dijiye. The original constitution of 1950 envisaged the Supreme Court with the Chief Justice and 7 presiding judges, okay, leaving it to the Parliament to increase this number. In the early years, all the judges of Supreme Court sat together to hear the cases presented before them. ये देखिए, सब कोई एक साथ बैठता था पहले, चाय पानी नाश्ता और साथ में cases देखिए। तो यही है students, बाद में cases जैसे accumulate करते गए, judges बढ़ते गए, 8 थे पहले 1950 में, 11 हुए 1956 में, 14, 18, 26 और 34। ये देखिए अभी चल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस फॉर्मेशन। क्या ये क्लियर हुआ मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ चला जाए। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, यहां पर एक सवाल आया हुआ है आप लोगों का। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है कि दिमाग की उपज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भी तो बना था। यस, एग्री कर रहे हैं। ब्रिटिश के समय एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो जुडिशरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया था। और उस समय मैं बता दूं आपको कि उसका एम अलग था, बाद में वो हटा भी दिया गया, ठीक है। तो क्यों बनाया गया था 1774 में, मैं बता दूं, सबसे पहला इंस्टेंस था सेपरेटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का पहला इंस्टेंस इंडिया में, ठीक है। बाद में उसके फंक्शनिंग आगे कैरी आउट होती है और बाद में हटा दिया जाता है। हाई कोर्ट्स कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर दैट फ्रॉम 1860s, ठीक है।
आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी का टॉपिक देखिए, दिस व्हाट हैज द यूनियन बजट एलोकेटेड टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी वर्ड क्या हमारे संविधान में मेंशन है, मुझे अभी बताइए चैट बॉक्स में, और नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। और क्या माइनॉरिटी को लेकर कोई राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स। सो विच आर द मोस्ट अफेक्टेड स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हाउ मच हैज एजुकेशन सफर्ड, हाउ हैव नई मंजिल एंड उस्ताद फेयर्ड। द यूनियन बजट फॉर 2023-24 केम विद अ रिडक्शन ऑफ 38% इन फंड्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। द फंड क्रंच इज लाइकली टू इम्पैक्ट स्फीयर्स ऑफ मदरसास बिसाइड्स जनरल स्कूल एजुकेशन, हायर रिसर्च, लोकल डेवलपमेंट इन एरियाज ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन। ये देखिए, द वर्स्ट अफेक्टेड स्कीम अंडर द ऑल एनकम्पासिंग फंड क्रंच इज द एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसास विच सफर्ड अ वोपिंग 93% कट इन एलोकेशन डाउन टू 10 करोड़ फ्रॉम 160 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए, एंड इसका मतलब साफ है, द एलोकेशन फॉर रिसर्च स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज वॉज रिड्यूस बाई लिटिल मोर देन 50% डाउन फ्रॉम 41 करोड़ लास्ट ईयर टू 20 करोड़। तो यही सब लिखा हुआ है कि कम कम पैसा दिया जा रहा है। देखिए यहां पर, so why was Nayi Udaan grounded? Nayi Udaan scheme meant to help minority students prepare for UPSC examinations has been grounded. It was argued that the scheme overlaps with other similar plans of the government. ये देखिए, तो क्या ये schemes यहाँ पर हैं students? देखिए ये schemes, देखिए मैंने यहाँ एक जगह पर देखिए लिखा हुआ, ये देखिए, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, ठीक है, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेश, ठीक है, गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हुनर हाट, प्रोग्रेस पंचायत, क्या बात है, नेम्स देख के तो मीन्स क्या कहा है, जोसेफ बाइडेन भी फ्रस्ट्रेशन में, नहीं मुझे बताइए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम्स और माइनॉरिटीज के लिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में दिया गया स्टूडेंट्स। इनफैक्ट आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली मेंशंस द वर्ड माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी वर्ड मेंशन नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, पढ़ दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, बट आर्टिकल 29 डजंट कंटेन द वर्ड माइनॉरिटी। इट कंटेन्स एनी सेक्शन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ये देखिए, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी वर्ड मेंशन किया गया। देखिए, क्लियर है, मुझे बता दीजिए, आइए आगे बढ़ चला जाए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज आप देख लीजिएगा आर्टिकल 29 एंड 30। ये देखिए, और अगर मुझसे पूछिएगा तो नई उड़ान स्कीम किस फील्ड से रिलेटेड था ये भी देख लीजिएगा, और उस्ताद, देखिए यहीं पे आपने पढ़ दिया, और उस्ताद स्कीम, ये देखिए, इट वॉज स्किल डेवलपमेंट स्कीम, उस्ताद स्कीम। ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम, उस्ताद स्कीम। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, इसे न्यूज को लिंक कीजिएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नहीं लेट ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं, ठीक है, बस 7-8 न्यूज हो गया, 2-3 न्यूज और बाकी है, कोई चिंता की बात नहीं है। कल भी इसी टाइम पे सेशन रहेगा, रोज आइए आप लोग 6:45 टू 7 o'clock के बीच में, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स बातें समझ में आ रही है, मुझे बता दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ की तरफ स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला न्यूज़ देखिए आप लोग, जीएस पेपर 3। ये देखिए, एग्री स्टार्टअप फंड टू हेल्प रेज यील्ड मार्केट लिंकेजेस। ये देखिए क्या बात है, इसके हाथ में है रिमोट, सामने है ड्रोन, इसके अंदर है सीड्स और पेस्टिसाइड्स, और ये जाकर एग्रीकल्चर में, खेती में हेल्प करेगा। यूज ऑफ AI, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, बार बार ड्रोन हमें, बार बार ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स एग्रीकल्चर में उसका यूसेज, बार बार ये न्यूज़ आ रहा है, और ये UPSC की तरफ से इशारा है, इस बार ये सवाल निकलने वाला है। एग्जामिन द एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, यस, स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, गॉट इट,
एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड अनाउंस इन द यूनियन बजट वुड सपोर्ट स्टार्टअप टू ब्रिंग इन एफिशियंसी इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स फॉर फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स थ्रू यूज ऑफ टेक इनपुट सच एज AI, IoT एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन. ये देखिए, यस यस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज बूस्ट अप. मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या मैंने प्रिसीजन एग्रीकल्चर में पढ़ाया था आप लोगों को? एक बहुत पहले एक एडिटोरियल या आर्टिकल पढ़ाया था मैंने, याद कीजिए. आप बोले सर कौन सा आर्टिकल एडिटोरियल? आज से 5-6 महीने पहले. वो भी क्या दिन थे आप लोगों के, नहीं आर्टिकल एडिटोरियल वाले दिन, मुझे बताया जाए. उसमें क्या मैंने पढ़ाया था, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में काउज का भी डेटाबेस क्रिएट किया गया है. काउज का जो काउज का एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन होता है. मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं इसके बारे में, यूज़ ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर. प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब केवल क्रॉपिंग में नहीं होता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी होता है, पोल्ट्री में भी होता है, एपीकल्चर में भी होता है, एक्वा कल्चर में भी होता है, हर जगह होता है, फॉरेस्ट्री में भी होता है. याद कीजिए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ड्रोन्स का जब एप्लीकेशन आ जाए ना एग्रीकल्चर में, तो इतना मत कीजिएगा केवल कि ड्रोन्स विल बी यूज फॉर सीड्स स्प्रेइंग, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, स्प्रेइंग ऑफ वाटर, स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, फिनिश ऑफ द आंसर. ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा. तो यूपीएससी बोलेगा यस थैंक यू बोल रहा है तो मोस्ट वेलकम, 10 में 1 नंबर देकर साइड कर देगा. अगर सवाल पूछा गया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सब कुछ आता है स्टूडेंट्स, मीन्स क्रॉपिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिशरीज, एक्वा कल्चर, पोल्ट्री, पिगरीज, ये सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा आपको. नहीं तो इसीलिए 10 में 1 लाना है या 10 में 8 लाना है आपको देखना है स्टूडेंट्स. क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल मार्केट्स में भी हो सकता है? मुझे बताइए, क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल बाकी के एलाइड एक्टिविटीज में, इनपुट्स में हो सकता है? मुझे बताइए, क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल सप्लाई चेन में भी हो सकता है? क्या मुझे बताइए, क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल मैनेजमेंट ऑफ द फार्म्स में हो सकता है? क्या फार्म मैनेजमेंट? यस, गॉट इट स्टूडेंट्स, मुझे बताया जाए. तो अगर ड्रोन पूछा है ना एग्रीकल्चर में, तो केवल सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, टाटा बाय बाय करके मत निकलिएगा. ओके, आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स अप 13% इन अप्रैल दिसंबर ड्यूरेशन. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स के लिए इंडिया के पास एक वेब पोर्टल है एपेडा, ये देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. सुना है आपने? मुझे बताइए, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखिए, यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाता है सारी चीज़ों का. ये देखिए, आप कहेगा सर अच्छा अच्छा, तो सर ये एक्सपोर्ट्स किस चीज़ का करवाता है? देखिए, बासमती राइस, बासमती राइस कहाँ जाता है स्टूडेंट्स मुझे बताइए? आपके घर जाता है वो अलग बात है, या नहीं जाता नहीं पता है. इंडिया से बाहर कहाँ जाता है बासमती राइस? कहाँ जाता है? सऊदी अरब, ईरान, UAE. क्या ये वेस्ट एशियन इकोनॉमीज है? मुझे बताइए जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए, हैव अ लुक. तो वही अप हो गया है दिस एक्सपोर्ट्स, उसमें बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स अप हो गए हैं, नॉन बासमती राइस के भी एक्सपोर्ट्स अप हो गए, वेजिटेबल्स के भी एक्सपोर्ट्स अप हो गए, मीट के भी एक्सपोर्ट्स अप हो गए. मीट में इंडिया कितना रैंक है एक्सपोर्ट्स में मुझे बताइए, और मीट में चीफ कंट्रीज ऑफ इंपोर्ट मुझे बताया जाए स्टूडेंट्स, लेट्स सी. मीट हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स, ठीक है. ये देखिए, एपेडा इज गिवन थ्रस्ट ऑन प्रोडक्ट्स सच एज बासमती एंड नॉन बासमती राइस, बोवाइन मीट, सीरियल प्रिपरेशन, मेज, ग्राउंडनट, ठीक है, दिस प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, गुआर गम, कंसंट्रेटिंग अपॉन कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, UAE, USA, इंडोनेशिया, ईरान, वियतनाम, मलेशिया एंड चाइना. ये देखिए, मीट में इंडिया का रैंक 2 था, याद कीजिए. और इंडिया के चीफ कंट्रीज जहां इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया टॉप 3 कंट्रीज अलॉन्ग विद UAE. एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये आया था स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, यही सब आता है और फिर यूपीएससी में आता है और कहीं नहीं आता है. ऐसा कुछ न्यूज अगर आया तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ही आएगा, देखिए देख सकते हैं आप ये, और फिर यूपीएससी में सीधा आएगा.
और फिर सीधा फिर यूपीएससी बाहर कर देगा अगर इसको पढ़ कर नहीं जाइएगा तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक स्टूडेंट्स। इस बार तो मींस इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितने रैंक पर है हर चीज़ में बहुत न्यूज़ आए हैं और उसका एक टेबल तैयार करना ज़रूरी है। शुरू कर दीजिए टेबल आज से ही बनाना, आज मीट एक्सपोर्ट्स और बासमती एक्सपोर्ट्स में लिख लीजिए रैंक इंडिया का। नेक्स्ट ये देखिए एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म ASM फर्दरिंग द मार्केट इंटीग्रिटी, सुना है आपने इसके बारे में स्टूडेंट्स। अदानी इंटरप्राइजेस का FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर स्टॉल कर दिया गया। उसके पहले अदानी ग्रुप के 3 कंपनीज को ASM में रखा गया, शॉर्ट टर्म ASM एडिशनल सर्विलांस मेजर। क्या ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आया था आज से 2 दिन पहले, मुझे बता दीजिए क्या क्या सर्विलांस मेजर्स हैं जिससे कि स्टॉक मार्केट की इंटीग्रिटी रखी जाती है। एक था सर्किट ब्रेकर्स याद कीजिए और एक है ASM। हैव अ लुक स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ASM फ्रेमवर्क। द मार्केट रेगुलेटर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द एक्सचेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग सेवरल सर्विलांस मेजर्स टू एनहांस मार्केट इंटीग्रिटी एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मैं बार बार पुट अप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, सवाल आ जाएगा, एग्जामिन द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर मार्केट स्टॉक मार्केट इंटीग्रिटी, ये आपको पुटअप करना है। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म इज टू अलर्ट एंड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू बी कॉशियस व्हाइल डीलिंग इन सेलेक्ट सिक्योरिटीज। ये बस केवल हेल्प करता है, इसमें कुछ पनिशमेंट नहीं होता है, ये जस्ट हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को। ये बताता है देखो इसमें पैसा लगाना तो अपने अपने बलबूते पर, ठीक है, अगर पैसा खोना है तो खो देना और पैसा अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, यानी रिस्की खिलाड़ी हैं तो आप लगाइए इसमें पैसा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा लगाने के लिए, ये सेबी कहेगा। ये स्टूडेंट्स ये देखिए बात समझ में आ रही है, देखिए द ASM फ्रेमवर्क। तो कौन कौन से फ्रेमवर्क से देखिए लिखा हुआ है, 2 stages इन द शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क, ठीक है, 100% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू टू गेट ब्लॉक्ड एज मार्जिन। ये देखिए नो प्लेजिंग अलाउड दैट फॉर द स्टॉक दैट हैज बीन इन ASM, प्लेजिंग अलाउड नहीं है, आप पैसा मार्जिन पैसा उठा नहीं सकते हैं, ठीक है, वो शेयर्स का। हाउ आर स्टॉक्स आइडेंटिफाइड फॉर द ASM फ्रेमवर्क, कौन चेक करता है इसके लिए, ये सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस NSE एंड BSE। ASM इज इंप्लीमेंटेड बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया सच एज हाई लो प्राइस वेरिएशन, क्लाइंट कंसंट्रेशन, प्राइस वेरिएशन, पी रेशियो, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर ASM इज ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट सर्विलांस। देखिए ये आ सकता है दैट कौन कौन से फैक्टर्स पे ASM डिपेंड करता है, ये देखिए डिफरेंट फ्रॉम GSM, अनलाइक द ग्रेडेड सर्विलांस मैकेनिज्म GSM विद स्टेजेस 0 to 6, ASM हैज 2 stages, इनिशियली सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड अंडर द प्राइस बैंड ऑफ 5% और लोअर एज एप्लीकेबल, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली द शॉर्टलिस्टेड सिक्योरिटीज आर मॉनिटर्ड ऑन अ प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड मूव्ड इनटू ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट वंस द क्राइटेरिया गेट सैटिस्फाइड। तो ASM में 2 stage होता है स्टूडेंट्स और GSM में 6 stages, ये देखिए 0 to 6। ASM में ये देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड है क्या, 100% मार्जिन इज इम्पोज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डेली प्राइस बैंड ऑफ 5% और लोअर इज मेड एप्लीकेबल। इसमें 100% मार्जिन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जो आप थर्ड पार्टी जहां पर आपने ओपन किया जीरोदा शेयर खान में आपने ओपन किया अकाउंट, उससे पैसा आप नहीं उठा सकते, आपका खुद का पैसा रहेगा, 100% मार्जिन। ये देखिए तो बस कुछ ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स यहाँ से उठाना है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं आएंगे इतने मैं बता दूँ आपको। व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट एक्शंस फॉर स्टॉक्स अंडर ASM, कॉर्पोरेट एक्शंस aren't impacted by the stock being under ASM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको कंपनी में जो करना है कीजिए, आपकी ट्रेडिंग पर असर पड़ेगा आपकी कंपनी के। द बेनिफिट्स ऑफ ऑल कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट आर पास्ड ऑन टू द शेयर होल्डर्स इवन दो द स्क्रिप्ट इज अंडर ASM। ये देखिए स्क्रिप्ट मीन्स वो कंपनी, ठीक है, तो बस यही है स्टूडेंट्स। द सिक्योरिटी शैल बी प्लेस अंडर ASM टिल द टाइम दे कंटिन्यू टू मीट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, और उसके बाद इनको निकाल दिया जाएगा जब ये ठीक हो जाएंगे, स्क्रिप्ट या द कंपनीज। सवाल यहाँ साफ साफ है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर्स GSM ASM, विच आर द फॉलोइंग आर यूज एज टूल्स ऑफ कीपिंग मार्केट इंटीग्रिटी इंटैक्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर है। और एक सवाल आ सकता है, ASM के इंपैक्ट्स कॉर्पोरेट एक्शंस पे नहीं पड़ते, इतना याद रखिएगा, केवल ट्रेडिंग पे पड़ता है, दैट्स इट। क्या ये क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स, टेल मी।
एएसएम यहां पर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़, कोरिएंडर सीड इंपोर्ट स्पाइस अप रशिया ट्रेड। ये देखिए साबुत धनिया, नहीं मुझे बताइए, अलॉन्ग साइड द एक्सपोनेंशियल जंप इन इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इन रिसेंट मंथ्स, अनदर कमोडिटी इज स्पाइसिंग अप ट्रेड विद मॉस्को इन द आफ्टरमैथ ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लेट फरवरी, द रिलेटिवली हम्बल कोरिएंडर सीड या साबुत धनिया। ये देखिए क्या बात है स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिटेल्स देख लिए जाए। धनिया वगैरह भी आ गया, आप देखिए धनिया, लहसुन, ठीक है, अजवाइन, मंगरेल, यही सब स्टूडेंट्स लग रहा है अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस में डिटेल्स कवर किए जा रहे हैं, तो पता नहीं सवाल निकल सकता है, यस इंडिया सेल्फ सफिशियंट है या इंपोर्ट करता है, देखा जाए। सो ऑल्दो द वॉल्यूम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ कोरिएंडर सीड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया आर नॉट इन द सेम लीग एज पेट्रोलियम और इवन थर्मल कोल, द अपस्विंग इन इट्स इंपोर्ट्स हैज बीन रादर शार्प। इंडियाज ऑफिशियल ट्रेड डेटा शोज दैट कोरिएंडर सीड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सर्ज्ड बाय 1313% ईयर ऑन ईयर। ये देखिए इन द फर्स्ट 8 मंथ्स, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। वाइल टोटल इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स ऑफ कोरिएंडर सीड्स जम्प्ड नियरली 250% फ्रॉम रशिया, इट रोज बाई 1313%। ये देखिए सो मच सो दैट रशिया अकाउंट्स फॉर 88% ऑफ इंडियाज कोरिएंडर सी इंपोर्ट्स फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ये देखिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कोरिएंडर सीड इंपोर्ट्स हैड रजिस्टर्ड मॉडरेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हैड एक्चुअली फॉलन, यू कैन सी इट हियर। तो यही है स्टूडेंट्स न्यूज कोरिएंडर के बारे में, ठीक है, यहां से आ सकता है 88% ऑफ इंपोर्ट्स कम फ्रॉम रशिया, दैट्स इट। अब आप कहिएगा ठीक है सर और क्या कोई न्यूज है सर, देखिए एक न्यूज है, अब क्या है न्यूज देखिए, खराब कंडीशन है देखिए। अरे सर ये क्या है, ये चोरी है, रेलवे लाइन उठा के ले गए हैं, देखिए तब क्या बिजायर केसेस, देखिए बोल रहा है इवन न्यूज पेपर शॉक्ड एंड स्टम्प्ड है। ये देखिए ऑफ द बीटन ट्रैक थीव्स मेक अवे विद रेलवे लाइन इन मधुबनी, ये देखिए क्या जमाने आ गए, नहीं मुझे बताइए, ये ट्रेन चल रही है, चल रही है, आप जा रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, ट्रेन चल रही है, आप जा रहे हैं किसी मेजर शहर में, ट्रेन का ट्रेन तो जा रही है, रेलवे लाइन ही उखाड़ दिया, ठीक है देखिए अब कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ आ गया इंसान, नहीं तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देखिए बीजेपी ब्लेम्स नीतीश गवर्नमेंट फॉर बिजायर केसेस ऑफ थेफ्ट इन बिहार, अर्लियर एन आयरन ब्रिज टू मोबाइल टावर्स, ये देखिए एंड रेलवे इंजन वर क्रीम्ड ऑफ बाय इंजीनियर्स थीव्स इन द स्टेट, इंजन उठा ले गए बताइए, और कहाँ ले जाकर रख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पता भी नहीं लग रहा है कि कहाँ रख रहे हैं, चोरी पकड़ी नहीं जा रही है। देखिए देखिए रेलवे इंजन उठा के ले गया, मोबाइल टावर उठा के ले गया, आयरन ब्रिज उठा कर ले गया, और उसके बाद रेलवे लाइन बचा था वो भी उठा कर ले गया, नहीं Nearly 2 kilometers of an abandoned railway track estimated at crores of rupees in Madhubani district of Bihar was found to have been stolen and sold to scrap dealers. बेच भी दिया गया, देखिए तो ये abandoned railway track था, लेकिन क्या कहिएगा स्टूडेंट्स, बहुत दिक्कत की बात है, नहीं मुझे बताइए, स्क्रैप में बेच दिया गया, पता ही नहीं चला, इंजन भी बेच दिया गया, इंजन भी गया, ठीक है स्क्रैप में, मतलब अजीब कंडीशन है भाई। So the track connecting Pandaul and Lohat sugar mill stations in Samastipur railway division had been left abandoned for a long time following the closure of the mill. उसके बाद मिल जब क्लोज, देखिए पहले बहुत ब्रिटिश टाइम से, मैं बता दूं स्टूडेंट्स एक चीज़ तो था, रेलवे का एक्सेस इन लोगों ने हर एक पॉइंट तक किया था। मैं ब्रिटिश टाइम्स का रेलवे लाइन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड, यूल फाइंड रेलवे लाइन्स इन ईच एंड एवरी कोल माइन, यस इनफैक्ट मैं बता दूं स्टूडेंट्स दैट जहां हम लोग रहते थे उसके पीछे जो कोल माइंस था, ठीक है, जस्ट कोल माइंस वर इन द विसिनिटी ऑफ 1 किलोमीटर, उसी के 1 किलोमीटर के विसिनिटी में हम लोगों ने बचपन गुजारा है, वहां पर रेलवे लाइन कोल माइंस के अंदर तक जाता था, और बीएनआर रेलवेज था, बंगाल नागपुर रेलवेज, बहुत फेमस रेलवेज का एक मींस यूनिट सेटअप किया था ब्रिटिशर्स ने अपने समय में छोटा नागपुर प्लेटो बेल्ट के लिए। तो
बस यही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अटैच कर लीजिएगा, ये नई समस्या जनरेट हो गई है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोरिएंडर सीट्स देखिए यहाँ पर, और एएसएम और जीएसएम देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर बासमती राइस एंड मीट, ठीक है, उसके पहले एग्री स्टार्टअप फंड, ड्रोन्स का एप्लीकेशंस, उसके पहले मीठी विरदी एंड अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है, यहाँ से भी एस्बेस्टस वाला चीज़ निकल के चला जाता होगा, ठीक है। बाद में मालूम चलता होगा कि चोरी करके कोई ले जाता होगा, मालूम चलता होगा कि इससे कैंसर होता है, तो छोड़ के आ जाते होंगे। नहीं तो चोरी बिजायर चीज़ों की इंडिया में हो रही है, सोचिए कंडीशन कहाँ से कहाँ हो गया है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये देखिए द मेजर स्कीम्स यू कैन सी हियर, आर्टिकल 29 एंड 30, नई उड़ान स्कीम, एंड आर्टिकल 29 में मेंशन नहीं है माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30 में मेंशन है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। और उसके अलावा स्टूडेंट्स शालीग्राम पत्थर, शालीग्राम शिला, मोलस्क ये देखिए, एंड गंडक एंड काली गंडकी रिवर एंड बूढ़ी गंडक रिवर, आप देख सकते हैं धौलागिरी माउंटेन पीक इसी के आसपास। और उसके अलावा स्टूडेंट्स निस्सार सेटेलाइट, जोसेफ बाइडेन, यस, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। और उसके पहले स्टूडेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ की टूवर्ड्स इंडिया फोकस अपॉन नेबरहुड, ये देखिए। इसी के साथ आज की सेवा समाप्ति की घोषणा, स्टूडेंट्स नमस्कार, जय हिंद। और आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर उठाकर ले जाइए स्टूडेंट्स इस सेशन का फ्री पीडीएफ। इसी के साथ सेवा समाप्ति की घोषणा, और जिसको सक्षम या संकल्प ज्वाइन करना है, बहुत अच्छे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, जो लोग अटेंड कर रहे हैं आप खुद बता दीजिए स्टूडेंट्स कैसे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, बहुत तरीके से कवर किया जा रहा है, होलिस्टिक कवरेज ऑफ एवरीथिंग। 8329637094708883888 एंड 7276637094 पर आकर उठा ले जाइए सेशन का फ्री पीडीएफ। नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद, लेट्स एंड द सेशन, टेक केयर।